ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में योग भारती के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता योग भारती संस्थापक निवास मूर्ति ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज के समय में सभी को बीमारियों ने घेर लिया है, जिसके चलते रोगी ढेरों दवाइयों का सेवन करने लगे हैं, जिसके चलते उन दवाइयों के कुप्रभाव भी उन पर लगातार देखे जा रहे हैं। दवाइयां लगातार मनुष्य का शरीर खोखला कर रही हैं और उम्र की औसत घटती जा रही है। इन सब दुष्प्रभावों से बचने का एक अच्छा माध्यम न्यूरोथेरेपी है। सोलन में योग भारती के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता योग भारती संस्थापक निवास मूर्ति ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज के समय में सभी को बीमारियों ने घेर लिया है, इसके चलते रोगी ढेरों दवाइयों का सेवन करने में लगे हैं, जिसके चलते उन दवाइयों के कुप्रभाव भी उन पर लगातार देखे जा रहे हैं। दवाइयां लगातार मनुष्य का शरीर खोखला कर रही हैं और उम्र की औसत घटती जा रही है। इन सब दुष्प्रभावों से बचने का एक अच्छा माध्यम न्यूरोथेरेपी है। इस चमत्कारी न्यूरोथेरेपी के बारे में हिमाचल के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए योग भारती के संस्थापक निवास मूर्ति और चिकित्सक अजय गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन में हिमाचल का पहला न्यूरोथेरेपी प्रशिक्षण केंद्र योग भारती द्वारा खोला जा रहा है, जहां युवाओं को न्यूरोथेरेपी की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि न्यूरोथेरेपी में बिना दवा के गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज संभव है, इसलिए आज के समय में न्यूरोथेरेपी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग दवाओं के दुष्प्रभाव से तंग आ चुके हैं और वे दवाओं से छुटकारा चाहते हैं, इसलिए सोलन में प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है। प्रशिक्षण पाकर युवा जहां लोगों को रोग मुक्त करेंगे, वहीं पे लोगों का इलाज कर अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं। पूरे हिमाचल में अभी 16 तारीख से यहां सोलन में ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं और एक न्यूरोथेरेपी का क्लिनिक यहां जो रेगुलर शाम को 4 से 8 बजे तक सरस्वती विद्या मंदिर में यहां शुरू कर रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए आप सब लोगों के पास आए। हम लोग पिछले 20 वर्ष से न्यूरोथेरेपी का देश भर में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 22 राज्य में लगभग 500 से ज़्यादा क्लिनिक हैं, 2500 न्यूरोथेरेपिस्ट देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हिमाचल में कोई भी सेंटर हमारा नहीं था। तो हिमाचल में ये काम शुरू करने के लिए जो न्यूरोथेरेपी जो बिना दवाई के इलाज है सभी बीमारियों का, खांसी जुकाम बुखार से लेकर कैंसर तक का ट्रीटमेंट इस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हो सकता है, इसको शुरू करने के लिए यहाँ आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हिमाचल के प्लस टू पास किसी भी स्ट्रीम में प्लस टू पास नौजवान ये 1 वर्ष का कोर्स करके और 6 मंथ की इंटर्नशिप करके अपना क्लिनिक खोल सकता है, ये रोजगार का बहुत बढ़िया साधन है। योग भारती एक परिकल्पना है, जितना भी चिकित्सा पद्धति है शरीर के आंतरिक शक्ति को जगाना, आंतरिक समस्या को हल करना, न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, योग, प्राणायाम, मुद्रा, ये सारे के विकास करना और इस माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ाना, इस दृष्टि से योग भारती का स्थापना हिमाचल में हुआ है। भविष्य में पूरा देश में करने का विचार है।